और देहरादून स्मार्ट सिटी के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च किए गए हों, लेकिन फिर भी स्मार्ट सिटी स्मार्ट नहीं बन पाई है और बारिश स्मार्ट सिटी की पोल खोलकर रख दी है। साथ ही जगह जगह जलभराव की स्थिति भी बन रही है और आम जनमानस को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि स्मार्ट सिटी के कार्यों की समीक्षा की जा रही है, इन कार्यों में और भी तेजी लाई जाएगी। बता दें कि मानसून सीजन शुरू होते ही दून शहर के विभिन्न इलाकों में जलभराव की स्थिति और ट्रैफिक की समस्या उत्पन्न हो रही है। इससे कई स्थानों पर जाम के चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। स्मार्ट सिटी के काम को और तेजी से उसकी समीक्षा, तेजी से उसकी प्रगति हो और इस पर हम लोग लगातार किसी बैठकों में भी हम लोगों ने चर्चा की है और कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि और अभी उस पर तेजी लाने की जरूरत है, उस पर काम हो रहा है।